दोस्तों हाजिर हाँ। अज एक कहानी तुहाडे सन्मुख, तुसी सुनोगे पंजाबी दे उगे कहानीकार श्री राम स्वरूप अणखी दी कहानी सुत्ता नाग। मुकलावे आए जीतो नूं मसां 20 दिन होए सन। बेबे नूं याद करके मेरे तां हौल जिहा पै जांदा है। चल मैनूं छड्ड आ, फिर आ जाऊंगी 10 दिन ला के, जीतो ने एक दिन मुकंदे नूं कहा। सोहणी उह बड़ी सी, मुकंदे नूं जिवें कोई अलोकार चीज़ मिल गई। उह बेअंत प्यार करदा उसनूं, पर जीतो संवार के कदे मूहों नहीं सी फुटी। चित अंदरों जीतो दा शायद उदास सी। मुकंदा उसनूं रज के मोह दिंदा, पर उह हां हूं तो वध कुछ ना कहिंदी। मुकंदे दी समझ तो सारी गल बाहर सी। हर गल विच मुकंदा उसकी मर्जी विच खुश रहिंदा। अज जीतो ने पेकी जाण लई कहा, तां इह पहला मौका सी 20 दिनां विच जद उह खुल के बोली सी। मुकंदा खुश सी कि उह कुछ उबासरी तां है। जीतो नूं पेकी छड्डण आए नूं उस रात उसके सहुरिआं ने उत्थे ही रख लिया। अस्सू कत्ते दी रुत्त सी। मुकंदा सौण वेले टब्बर तो अड ही दूर सारे पै गया। अद्धी रात नूं जीतो नूं महसूस होया जिवें मुकंदा कूक सुत्ता पिया है। वह चुप करके उठी, मुकंदे दी हिक ते हथ धर के देखिया, वह हिलिया ना। जीतो नूं यकीन हो गया, पर सी मुकंदा जागू मिटी। जीतो ने पोले पोले पैरीं वीड़ा टप्पिया ते दरवाजे दा कुंडा खोल के घर तो बाहर हो गई। मुकंदे नूं जिवें सुपना आ रहा सी, वह उठ्या ते किले तो लटकदी कृपान ला के जीतो दे मगरे हो लिया। उस तो 50-60 कर्म पिछे पिछे। जीतो नूं कोई पता नहीं सी कि उसके मगर कौन आ रहा है। उसकी छां तां रूइयां नूं चढ़ती जा रही सी। राह विच इक कस्सी आई, टप्पण लगी, उसनूं चिर लग्गिया। मुकंदा सहम के थाएं खड़ोता रहा। फिर अगे जा के एक उच्ची पड़ी आई जिसकी वार तो झोटा नहीं सी टप सकता। नक दी सेध तुरी जा रही सी। इन्नी वड्डी वड्डी वाड़ वाली भड़ीन टप्पण लगी तो उसके हथ पैर छिले गए। मुकंदा उसके पिछे, देखिए भला कित्थे जाती है। पिंड तो को पर दूर जाके एक बाग आया, संगतरे अनार ते अमरूदा का बाग। बाग दुआले वगली कंडिया की तार टपके उस सीधी बाग अंदर दाखिल हो गई। माली खेस ताणी सुता पिया। जीतो ने जाण सार उस तो खेस तू लिया। शेरू नूं जिवें कोई छह आ चंबड़ी होवे। पहलां तां उह डर गया, पर अखां मल के देखिया जीतो थमले वांग उसके सामने गड्डी खड़ी सी। पूरे एक महीने बाद परछावे वांग उस नूं फिर आ लिपटी। जंगल चीर के आ गई शेरू, जीतो दे तक तक करदे कालजे विच्चों बोल निकले। तेरे बिना हुण मैं भी कदे तोतियां नूं हकारिया नहीं, शेरू ने कहा। तेरे बाग च आ भी नहीं रही हो, जीतो ने कहा। जिस माली दे दिल दा बाग उजड़ गया होवे उस दे बूटियां नूं आब कादी चढ़े, शेरू पूरा भावक हो गया। शेरू मेरे कन्नी चाक, दोवें हत्थां विच शेरू दा मूंह फड़ के जीतो ने अपने वल कर लिया ते पूरे दिल नाल कहण लगी, मैं मुकंदे दा पत्ता नहीं ढोणा, मैं तां शेरू दी मालणा। ते फिर वह गल्लां करके गूढ़ी नींद सौं गए इको मंजे ते। मुकंदा 20 कदम दूर एक खजूर ओले सारा कुछ देखता सुनता रहा सी। उसके दिल विचों लोरियां उठ रही सन, उसके सिर नूं हनेरी चढ़ी हुई सी। ये उसके सामर तक की हो रहा है? उसकी अखां विच खून उतर आया। मलक मलक मुकंदा माली दे सिरहाणे आ खड़ा। उसने हथ फेर के देखा, कृपान की तार उसरे वर्गी सी। दोवें हत्थां दी पूरी पकड़ नाल उसने कृपान उलारी ते इक्को टक नाल माली दी गर्दन गाजर दे बूंडे वांग बढ़ के सिर उसने औ मारिया। उत्थों भज के मुकंदे ने कस्सी ते आके सा लिया। कृपान नाल लग्या मैला धोता इकदम उसके कन्न खड़े हो गए। बाग विचों किलकारियां उठ रही सन, जिन्हें मेरे यार नूं मारिया हुण आवेगा मेरे सामने, जिन्हें मेरे शेरू नूं मारिया हुण आवे मेरे प्यो दा साला। मुकंदा कन्न बलेट के
ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਆ ਸੁੱਤਾ। ਦਿਨ ਅਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਜੇ। ਜੀਤੋ ਵੀ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਵੜੀ। ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਮੁਕੰਦੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਮੁਕੰਦਾ ਦੰਦ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈ, ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ, ਜੀਤੋ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਕੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਮੁਕੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਥਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਮੀ ਜਮੀ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਤੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੇਕੀ ਨਾ ਗਈ। ਮੁਕੰਦਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਤੋ ਦੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਉੱਖੜੀ ਉੱਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਕਲਬੂਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੁਕੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 7-8 ਸਿਰਕੱਢ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤਰੇ ਤੋੜਨ ਆਏ ਚੋਰ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੇਰੂ ਦੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਏ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕੋਈ ਕੁਛ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਘੜੀਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 10-12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਜੀਤੂ ਦੇ 3 ਜਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਤੀਵੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਥਣੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਧਾਰ ਅਜੇ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਮੁਕੰਦੇ ਨੇ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਹਨੇਰਾ ਘੁੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਮੁਕੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ 100 ਸੱਪ ਸਲੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਪ ਸੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆ ਆਪੇ, ਜੀਤੋ ਨੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਆ ਗਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੁਕੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਲੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕੰਦਾ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੀ ਸੰਨੀ ਲੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਭੜਕ ਦੇ ਕੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਾਹ ਲਿਆਈ। ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੀਰੇ ਵਾਂਗੂੰ ਰੁੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ।